So here we have one more example of Shyam Limited, which contains capital deficiency and your debentures wala point plus creditors ka ek naya point hai isme. So we're going to see it. See, Shyam Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2016. The balance sheet as on that date was as under equity and liability. शेयरहोल्डर्स का फंड दिया हुआ है उसमें प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स जो है दैट इज 1007% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच 1 लाख का है ये ठीक है और पूरा का पूरा यानी इसने पे किया हुआ है देन यू हैव रेस्ट ऑफ द 3 शेयर्स दैट इज इक्विटी शेयर्स बट अगर आप सब में ही देखोगे तो सारे के सारे ही क्या है पार्टली पेड शेयर्स हैं फुल्ली पेड नहीं है यानी 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच 80 पेड अप 80,000 700 B equity shares of rupees 100 each 42,060 paid up 800 C equity shares of rupees 100 each 32,040 rupees paid up ये तो end में आएगा point we'll see इसमें capital deficiency है या नहीं है then we have long term that will go to debentures having floating charges Then we have trade payables क्योंकि कुछ नहीं बोला है अब तक के लिए तो हम अभी के लिए इसको अनसिक्योर मान के चल रहे हैं इनकेस तुमको एडजस्टमेंट में बोल दे कि भाई इसमें से इतना जो है वो सिक्योर तो फिर उसको हम माइनस कर देंगे देन नेक्स्ट वन इज अदर करंट लायबिलिटीज जिसमें है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कि जिसे हम क्या करते हैं हमेशा ही डिबेंचर में प्लस कर देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं 5,000 के तो दैट इज क्वाइट इजियर We don't need to calculate. Otherwise, हमें generally preferential creditors में गिनना पड़ता है कि clerk का कितना, government के current year के dues है या नहीं है, फिर तुम्हारा provident fund, फिर ये insurance का आता है, तो ये सारा याद रखने का कि ये preferential creditors में आता है. Then we have non-current assets. Assets में हमें दिया हुआ है, इसको तो हम हमेशा ignore करते हैं जो other non-current assets में आते हैं उसे. लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी है हम देखेंगे उसका अगर तुम्हें असेट सीएलआईज का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसे नहीं देखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 68,000 का इन्वेंटरी एंड डेटर्स यानी स्टॉक एंड डेटर दिया हुआ है दैट आल्सो विल सी कि भाई इसका असेट सीएलआईज का जो वैल्यू है वो हम लेंगे कैश एंड बैंक जो है 27,500 इसको हम डिरेक्टली क्या करेंगे डिरेक्टली ही हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे टू कैश 27,500 क्योंकि रिसिप्ट साइड पे सबसे पहले हम कैश या बैंक जो भी दिया है उसे लिखते हैं सो राइट नाउ वी हैव 27,500 टू कैश तो हम यहाँ पे सबसे पहली आइटम अभी लिख रहे हैं देन वी हैव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसको अदर नॉन करंट एसेट में जनरली लिखा जाता है यानी यहाँ पे ये दोनों चीजों को हम कंसिडर नहीं करते जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उन्हें एसेट्स रियलाइज तुमको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 84,400 मशीनरी 36,000 स्टॉक 9,100 एंड डेटर्स 28,500 तो ये चारों के चारों आइटम जो है अपनी चारों की चारों जो असेट हम बाद में देखने वाले थे उनका असेट्स रियलाइज्ड वैल्यू दे दिया है तो हम ऊपर क्या लिखा हुआ है वो ना देखते हुए हम हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हैं जो असेट्स रियलाइज की वैल्यू होती है वो लेते हैं ऐसा क्यों एक ही रीजन है कि वो वैल्यू जस्टिफाई करती है कि इतने पैसे हमें मिले हैं बुक में क्या पैसा दिया उससे मैटर नहीं करता इतना ही पैसा हम क्या करेंगे पेमेंट कर पाएंगे नहीं हम पे कर पाएंगे तो वो डायरेक्टली हम असेट्स रियलाइज में लिख देंगे टू एसेट्स रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग 84,400 मशीनरी 36,000 स्टॉक 9,100 डेटर्स 28,500 तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो इट विल कम 1,58,000 सो दैट इज आवर असेट्स रियलाइज्ड देन नेक्स्ट वन वी हैव इज इन्वेस्टमेंट्स वर मॉर्गेज्ड विद क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 65,000 हु रियलाइज्ड रुपीज 71,000 ऑफ द सेम अब इसने यहाँ पे क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि ये रहा इन्वेस्टमेंट ठीक है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने का दिख रहा है हमें मैटर नहीं कर रहा यहाँ पे वो कितने में बिका वो ज्यादा मैटर कर रहा है हमने उसको कितने में बेचा
तो उसमें से कितने पैसे आए, 71,000। बट इसको लिक्विडेटर ने बेचा नहीं है, इसे किसने बेचा है, खुद क्रेडिटर्स ने बेचा है। और वो क्रेडिटर्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली सिक्योर क्रेडिटर्स होंगे, यानी कि ये जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी थी, 65,000। पर उन्होंने इसे, तो ऑब्वियसली अपने पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, तो द एक्सेस वॉज गिवन टू लिक्विडेटर, क्योंकि क्रेडिटर्स रख सकते नहीं है। तो 65,000 जो थे, यानी 75,000 रियलाइज हुए, उसमें से 65,000 सिक्योर क्रेडिटर्स के थे, तो बाकी के 6,000 वापस किसको मिल गए, अपनी कंपनी को, लिक्विडेटर लेके आया। तो टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स, तो हमने क्या किया, 71,000 माइनस 65,000, तो कितना बचा, 6,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। क्रेडिटर्स ऑफ 25,000 वर पेड 3% लेस एंड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000 वर पेड 35% लेस, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल्ली। वो जब हम क्रेडिटर का पॉइंट आएगा तब हम क्रेडिटर का बाइफोकेशन पूरा देखेंगे। डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 जून 2017, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वर 6,795। डिबेंचर्स का पॉइंट आएगा तब हम ये वापस देखेंगे। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस दिए हैं, हमने बैलेंस शीट में देखा कि वर्कमैन का कोई एक्सपेंस नहीं है, ना हमें यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई ड्यू, अरे सॉरी, सिक्योर क्रेडिटर्स का हमारा जो है वो पॉइंट कवर हो गया है, तो वर्कर्स के ड्यू नहीं है, सिक्योर क्रेडिटर्स का कुछ नहीं है। तो अब सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे पेमेंट साइड पे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। सो वी हैव रिटन बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 6,795। तो ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो अपना सबसे पहला आइटम रहेगा, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स लिख दिया है। अदरवाइज पहला हमेशा ही क्या आता है, वर्कमैन्स ड्यूज या सिक्योर क्रेडिटर्स, राइट। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो है, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन ऑफ 3% ऑन द असेट्स रियलाइज बाय हिम एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, लिक्विडेटर को 3% असेट्स रियलाइज पे मिलेगा और 2% किस पे मिलेगा तुम्हारा, तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे। तो असेट्स रियलाइज भाई हमारा कितना है, 1,58,000। सो व्हाट वी विल डू, विल सिंपली कैलकुलेट 3% ऑन 8, 4,740। वी हैव रिटर्न 4,740। अभी अनसिक्योर क्रेडिटर्स अपने पास नहीं है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट कि भाई अपने पास ये नहीं है। अभी हम कंसिडर करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट में, तुम्हारी बुक में कहीं पे भी दिखेगा नहीं। सो राइट नाउ वी डू नॉट हैव अनसिक्योर क्रेडिटर्स, सो सिंपली विल मार्क इट कि भाई ये अपना अभी बाकी है, ये अमाउंट अपने पास नहीं है। यहाँ पे ये लिख के छोड़ देंगे हम, छोड़ देंगे कि भाई 2% अनसिक्योर क्रेडिटर्स। आगे मूव ऑन करते हैं। अनसिक्योर क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम जो हमेशा ही आता है वो होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था बैलेंस शीट में लायबिलिटी की लास्ट आइटम जो थी, दैट वाज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज, राइट। तो 5,000 जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के हैं वो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, अपने स्टेटमेंट में लिख देंगे। सो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज, तो वी हैव डायरेक्टली रिटर्न 5,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5% डिबेंचर्स, कितना है ये, 20,000 है। सो वी हैव रिटर्न बाय डिबेंचर्स 20,000। ओके, तो यहाँ पे हमने डिबेंचर्स का डायरेक्टली 20,000 लिख दिया। हमें पता है कि डिबेंचर्स में दो चीजें ऐड होती है, एक होता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी जो तुम्हारे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तुम्हारी बैलेंस शीट में दिया है वो, दूसरा भी इंटरेस्ट ही होता है, बट वो कौन सा इंटरेस्ट होता है, एडिशनल इंटरेस्ट, जिनको अभी भी नहीं आता है आगे के, जिसने सम्स नहीं सही सही से किए हुए हैं, उनके लिए मैं ये बोल दूं कि ये जो होता है 31 दिसंबर 2016, ये तुम्हारे बैलेंस शीट की डेट है, यानी यहाँ पे जो भी आइटम दिख रही है वो इस डेट तक की ही है, यानी 31 दिसंबर 2016, तुम्हारे सब में ऊपर जो डेट दिया होगा वो डेट तक की है। यानी यहाँ पे जो तुम्हारे डिबेंचर का इंटरेस्ट भी दिया हुआ है वो भी 31 दिसंबर 2016 तक का ही है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, डिबेंचर्स को हमने कब पे किया है? तो डिबेंचर्स को भाई हमने पे किया है 30 जून 2017, यानी 30 जून 2017 को हमने पे किया है। तो वो बाहर वाला इंसान है, उससे हमने पैसे बोरो किए हुए हैं, तो वो 6 महीने का ब्याज अपना जाने थोड़ी देगा। तो 6 मंथ्स का जो उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर दिस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो हम 1000 प्लस कर ही रहे हैं यहाँ पर, ये हमने प्लस कर दिए। इसके अलावा हमें एडिशनल इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब एडिशनल इंटरेस्ट कैसे आता है हमें पता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार कैलकुलेट किया है, बट फिर भी अगर जिसको याद नहीं है, तो 20,000 रुपीज अपना क्या है, डिबेंचर का वैल्यू है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपना डिबेंचर्स का, तो वो है 5%। वॉट विल गोइंग टू डू, मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आया 1000। अब ये जो 1000 है वो पूरे 12 महीने का है। अपने को कितने महीने का बोला गया है इसमें, 6 मंथ्स का बोला गया है। कैसे? तो यहाँ पे क्या बोला है, 30/6/2017 तक का है, और अपनी बैलेंस शीट कहाँ तक की है, दिसंबर तक की। तो दिसंबर खत्म हो गया है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, सो इसका हाफ हो जाएगा। या जिसको हाफ नहीं करना है, मंथ वाइज करना है, व्हाट दे डू, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करोगे, वो तुम्हारा आ जाएगा। सो यू विल गेट 500 रुपीज। सो वी हैव 500 योर एडिशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ तक का तो एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है, जैसे हमने अब तक के समझ में किया है। तो 20,000 + 1,000 + 500 कम्स 21,500। अब बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, ओके। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है, उसमें तुमको कुछ नोट दिया हुआ है, हम नीचे उसे देखेंगे। अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है, वहां पे अगर हम देखते हैं, तो क्रेडिटर्स ऑफ 25,000 वर पेड 3% लेस, एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वर पेड 35% लेस, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल्ली। अब तुम अपने बैलेंस शीट अगर चेक करते हो, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में एक ही क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर्स बस, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ये यहाँ तक के जितने क्रेडिटर्स उसने बोला है, सब इसी क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, यानी टोटल अपने क्रेडिटर्स हुए 1,30,000। और उसमें क्या इंक्लूडेड है, तो उसमें हमने जो क्रेडिटर्स को आगे सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था 65,000 का, वो भी उसी में से होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योर क्रेडिटर्स अलग से दिया हुआ नहीं है। तो सिंपली ये 65,000 के जो क्रेडिटर्स थे, वो भी इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे 1,30,000 का जो तुम्हारा क्रेडिटर है, उसमें सिक्योर क्रेडिटर्स जो है वो माइनस कर देंगे हम, 1,30,000 - 65,000, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। ये बिना बिना भूले हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि एक ही क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तुमको। यहाँ अलग से अगर देते लायबिलिटीज में कि भाई दूसरे भी क्रेडिटर है, सिक्योर क्रेडिटर्स है, तो हम क्या करते, उसको इसमें से माइनस नहीं करते। बट क्योंकि ये 1,30,000 टोटल क्रेडिटर्स है, जिसमें से ऑलरेडी हमने 65,000 माइनस कर दिया, क्योंकि सिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। तो अब अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितने बचे, तो बाकी के जो 65,000 है, वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स की तरह तुम्हारे बचते हैं। यानी ये तुम्हारे 65,000 जो है, दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये बेसिकली तुम्हारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ठीक है। और ये अनसिक्योर क्रेडिटर्स का अब हमें क्या करना है, बाइफोकेशन करना है। ये बाइफोकेशन में हमें बोला गया है कि भाई 65,000 जो है, सॉरी, हाँ, क्रेडिटर्स ऑफ ₹25,000, यानी इसमें से हमें 25,000 अलग करना है, वर पेड 3% लेस, उनको 3% हम कम पे करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, हम 25,000 - 3% करेंगे,
क्योंकि उनको हमने आगे भी एक समय किया हुआ है कि क्रेडिटर्स वर पेड इतने परसेंट लेस, क्रेडिटर्स वर पेड इतने परसेंट लेस, तो यहाँ पे 25,000 माइनस 3% अगर तुम करते हो तो तुम्हारा कितना आता है आंसर? तो सिंपली फोर नाइन 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 सेवन। एक मिनट, ने 750 है तो 25,000 माइनस 750, सो वी विल गेट 24,250। 25,000 का 3% आता है 750, तो हमने उसको माइनस किया, सो वी आर गेटिंग 24,250, राइट। तो उसको 3% कम दिया, यानी 25,000 वाले को 3% हम कम दे रहे, डिस्काउंट लिया हमने उससे कि भाई इतना हमारा कम कर दो, तो 24,250। फिर दूसरे जो है वो है तुम्हारे 10,000। 10,000 वाले के लिए तुमको क्या बोला गया है? तो भाई यहाँ पे क्या बोला है, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000 वर पेड 35% लेस, यानी उनको हमने 35% पैसा कम दिया है। तो यहाँ पे होगा ये 10,000 वाले क्रेडिटर्स, और इनको हमने कितना कम पे किया है? 35,000, 35% कम पे किया है, तो 10,000 का 35% 3,500, और वो माइनस करेंगे तो हम कितना पे कर रहे हैं? 6,500। तो ये हमने 6,500 यहाँ पे लिख दिया, तो 6,500 ही हम उसको दे रहे हैं, बाकी का हमें डिस्काउंट मिला। एंड बाकी का उसने क्या बोला है? तो यहाँ पे बोला है कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल्ली, बाकी के जो क्रेडिटर्स है उनको हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है। तो बाकी के क्रेडिटर्स कितने बचे? तो ऑब्वियस सी चीज है, हमारे पास कितने क्रेडिटर्स थे? 65,000 अनसिक्योर, 65,000, उसमें से कितना गया? 25,000 गया, 10,000। यहाँ पे ये वाली अमाउंट मत लिखना क्योंकि हम 65,000 में ये वाली अमाउंट इंक्लूडेड है, ये तो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। तो 65,000 में से 25,000 वाले क्रेडिटर्स गए, 10,000 वाले क्रेडिटर्स गए, यानी टोटल 35,000 वाले क्रेडिटर्स गए। तो कितने बचे? 30,000, उसको हम पूरा का पूरा 30,000 पे कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हम कितना पे कर रहे हैं? 60,750। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन सिक्सटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी अनसिक्योर क्रेडिटर्स के सामने। अब हम हमेशा ही क्या करते हैं, जब फिगर बड़े बड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं तो व्हाट वी डू, वी जनरली मेक कैलकुलेशंस कि भाई अपना अब तक का पैसा कितना आया, तो हमारा अब तक का पैसा हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? टोटल कर दिया कि भाई अपना इतना पैसा अब तक आया हुआ है, और इसको हम क्या कर देंगे? टोटल, क्योंकि अपने पास अभी इतना ही आया है, ये अगर हम आइटम देख रहे तो ये बाद की आइटम्स है। फिर दूसरा अपना ये बाकी हमें रेट दिख रहा है, ठीक है, कि 2% अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे भी हमें क्या देना था? रेम्यूनरेशन देना था। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स है तुम्हारे 60,750, क्योंकि हमें ये फिगर मिल रहा है तो हमने उसको ब्लैक कर दिया ताकि हम उसको टोटल में लेंगे। तो अभी इसको हम 60,750 जो है उसका हमें कितना परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है? तो 2%, तो उतना हमें क्या देना है? लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है, तो वो आया 1,215। तो ये 1,215 हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में। तो अब तक का अपना पेमेंट कितना हुआ है? यहाँ तक, ठीक है, ये सब मिल गया हमें, तो हमने ये सारे अमाउंट पेमेंट कर दिए है, तो वो हम क्या करेंगे? पेमेंट साइड पे लिख देंगे। अब अगर इसका टोटल हम करते हैं तो आता है 1,00,000 रुपीज, और हमारे पास कितने हैं अभी? 1,91,500। तो 1,91,500 थे, उसमें से हमने 1,00,000 पे कर दिया, तो अपने पास बचता है 91,500
500। अब हमें किसको पे करना होता है नेक्स्ट आइटम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर इससे कम पे करना है तो ठीक है, ज्यादा पे करना है तो पैसा नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो कितना है, 1 लाख रुपीज। हाँ, यहाँ पे ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम तब भी ज्यादा पे कर पाएंगे अगर इक्विटी के पास से मंगवाएंगे, चाहे कॉल के फॉर्म में, यानी डेफिशिएंसी आया फिर हमने कॉल मंगवाया, या तो फिर उनका एरियर्स कोई बाकी था और वो हमने मंगवाया है। अगर ये सब फुल्ली पेड होते या इनका कोई एरियर्स बाकी नहीं होता तो जितना बचा है उतना प्रेफरेंस को देते और इनको कुछ मिलता नहीं। ये पॉइंट गांठ मार लेना, वहां पे कैपिटल डेफिशिएंसी आ ही नहीं सकती है, तुम गिनोगे तो भी नहीं आएगा क्योंकि दे आर फुल्ली पेड अप। ठीक है, तुम उससे मंगवा ही नहीं सकते हो पैसे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो 1 लाख के है और बाकी के तुम्हारे पार्टली पेड है, तो हम कैपिटल डेफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाख रुपए बाकी है तो सिंपली हम देखेंगे कि कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आ रहा है पर शेयर। और हम इसलिए वापस मैं बोल रही हूँ कर रहे हैं ये पॉइंट क्योंकि एक तो तुम्हारे इक्विटी पार्टली है यानी उससे पैसे मंगवा सकते हैं, दूसरा प्रेफरेंस को पे करने के लिए सफिशियंट पैसा नहीं है। व्हाट वी विल डू, कैपिटल डेफिशिएंसी का जो अपना स्टेप्स है वो हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैपिटल डेफिशिएंसी का सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, तुम्हारे पास सरप्लस कितना है, यानी कि तुमने कितना रिसीव किया और कितना पे किया। वो अभी हमने गिना यहाँ पे 91,500 अपना सरप्लस आया, तो 1,91,500 अपना टोटल रिसिप्ट था, उसमें से पेमेंट अब तक हमने कितना किया है 1 लाख का, तो सरप्लस कितना बचा 91,500, तो दैट इज योर सरप्लस का वैल्यू। ठीक है, अब अमाउंट पेएबल कितना है, अभी हमें पे अभी और कितना करना बाकी है, इतना ही पैसा बचा है बट पेमेंट करना तो बाकी है, तो कितना बाकी है वहां हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि भाई प्रेफरेंस को देना होता है 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 42,000 प्लस 32,000 सॉरी हाँ प्लस 32,000, यानी इतना पैसा हमें देना बाकी है। अगर तुम टोटल करोगे तो भी वो ही आएगा 1,42,000 80,000 82,000 80,000 है ये, हमारा आता है 2,54,000। ठीक है, तो सिंपली व्हाट वी विल डू कि अपना अमाउंट पेबल अभी कितना है 2,54,000 और कैपिटल डेफिशिएंसी कितना है, तो हम पता है कि भाई हमें 2,54,000 देना है और अपने पास 91,500 ही है, तो कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आया 1,62,500, यानी इतना पैसा हमें कम पड़ रहा है। वापस बोलो, कैपिटल डेफिशिएंसी यानी क्या, जितना पे करना है उतना नहीं है और जितना अपने पास पड़ा है वो दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी मुझे पे इतना करना था और मुझे इतना मिला है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना कितना कम पड़ेगा मुझे इन शॉर्ट देने के लिए, तो दैट इज योर कैपिटल डेफिशिएंसी। अगेन अमाउंट पेएबल जो है तुम्हारा, उसमें से जितना पैसा तुम्हारे पास पड़ा है ठीक है वो माइनस करोगे, देन यू विल गेट, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कैपिटल डेफिशिएंसी मिलेगा, तो दैट इज 1,62,500। अब हम डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, शेयर्स हम ले लेते हैं इक्विटी के। ठीक है, कि भाई कितने शेयर्स हैं, यहाँ पे हम ये मैटर नहीं करता कि अब ये फुल्ली है या पार्टली है, यहाँ पे सारे शेयर्स का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो 1,700 and 800 शेयर्स है, अगर कॉमन में 0-0 निकाल दोगे तो ये 2-2 0 अगर माइनस कर देते तो 10:7:8 का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी 10, 7, 8, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 10 + 7 + 8 कितना होता है, तो ये 25 होता है, तो 10/25, 7/25 and 8/25 इतना इतना हर एक का क्या है, डेफिशिएंसी है। तो ए जो है उसको हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय उसका जो रेशियो है 10/25, बी का डेफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 7/25 एंड सी का डेफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 8/25, तो इंडिविजुअली डेफिशिएंसी कितना आया 65,000 ए का,
45,500, बी का एंड सी का आता है तुम्हारा 52,000। तो टोटल तुम्हारा अमाउंट टू बी कॉल्ड या पेड कैसे पता चलेगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल उसने अब तक कितना दिया है वो हम प्लस माइनस करेंगे। तो तुम्हारा शेयर कैपिटल अगर पहले देखने जाते हैं हम, तो ए का कितना है 80,000, ठीक है। तो 80,000 माइनस कितना आया उसका डेफिशिएंसी 65,000, यानी इसका आता है 15,000 पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है इसको हमें 15,000 देना है। फिर इसका कितना आया 42,000, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका 42,000 है, इसका 32,000 है। तो वी हैव रिटर्न 42,000 एंड 32,000, और दोनों की डेफिशिएंसी जो है माइनस करते हैं तो नेगेटिव आता है। इसके पास से 3,500 मंगवाना है, इसके पास से 20,000 मंगवाना है। तो जिसके पास से मंगवाना है वो हम रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे कि इन्होंने पैसे दिए, और जिसका पॉजिटिव आया है वो क्रेडिट साइड पे यानी पेमेंट साइड पे लिखेंगे हम कि भाई इसको हमने पैसे दिए। सो सिंपली ए को 15,000 देने थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो हम 1,00,000 दे ही देंगे क्योंकि उसका तो आएगा ही आएगा। अब हमारे पास पैसा है ऑलरेडी, अपने पास 91,000 के आसपास था। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं टू बी इक्विटी शेयर कैपिटल तो आता है 3,500, एंड टू सी इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 जो नेगेटिव था वो फिगर लिखा, तो अपना टोटल आया 2,15,000। अब 2,15,000 में से तुम माइनस करते जाओगे सारे फिगर्स तो ये तुम 1,00,000 भी पे कर पाओगे और ए इक्विटी शेयर कैपिटल भी पे कर पाओगे 15,000। तो टोटल तुम्हारा आ जाएगा 2,15,000। तो यहाँ पे अपना ये एग्जाम्पल खत्म होता है।